बीजेपी सदन के अंदर लगातार विरोध दर्ज कर रही है, वहीं बाहर भी लगातार अपना विरोध जता रही है। खासतौर पर जिस तरह से शराबबंदी को लेकर जिस तरह से कई लोगों की मौतें हुई है उसको लेकर लगातार विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। जहरीली शराब से दर्जनों मौत हो रही है। सत्ता संपोषित जहरीली शराब और शराब बिकवाया जा रहा है राज्य में। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है और हम लोग अगर जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है उसका खिलाफ करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी धमकी देते हैं। यह किसी हालत में भी उचित नहीं है। शराब के नाम पर गरीबों पर अत्याचार हो जा रहा है। तुम तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे, कहते हैं बर्बाद कर देंगे, क्या ये सब सही है क्या? क्या लगता है कि जिस तरह से तुम तड़का पर आ गए हैं मुख्यमंत्री जी, कैसे? देखिए मुख्यमंत्री जी अपना आपा खो चुके हैं। अब विधायकों को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पे है। कटिहार में नरसंहार हो रहा है, यादवों का नरसंहार हो रहा है और माननीय उप मुख्यमंत्री जिस वोट के आधार पर आते हैं चुनाव जीत के उनका बोलती बंद है, उसमें कुछ बोल नहीं रहे। पासी समाज पे का आजीविका है उसका ताड़ी बेचना, उसके आजीविका के ऊपर जो है कुटाड़ा घात हो रहा है, पासी समाज को कुचला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। पूरे बिहार की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और विधानसभा में बात उठाने पे मुख्यमंत्री लोगों को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, यही तो लोकतंत्र में विश्वास है उनका। आज जहरीली शराब जो बिक रहा है, आज जहरीली शराब लेके हम लोग पूरे विपक्ष वाला उठाए हैं तो जहरीली शराब पर बोलना चाहिए, जहरीली शराब बंद हो और उसके लेकर हम लोग आवाज उठाए तो वो तो एकदम तनमना गए हैं, कहते हैं सबको हम दिखा देंगे और बर्बाद कर देंगे। जी शराब से कई लोगों की मौत हुई है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नाराज दिख रहे हैं, गुस्सा में दिख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब बंद है, कहाँ शराब बंद है? हर जगह तो शराब बिक ही रहा है और जहरीली शराब बिक रहा है जो कि रोज दिन मौत हो रहा है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब बंद है। हम लोग आवाज उठाए तो धमकी देते हैं कि बर्बाद कर देंगे, तुम लोग के बता देंगे, क्या बता देंगे? रणदीप जी लगातार मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, लगता है आपको कि ये भाषा जो है मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहीं से भी जायज है लोकतंत्र में? नहीं, आज तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हम लोगों को देखने को मिला जब जहरीली शराब के विषय पर हम लोगों ने सदन के माध्यम से उठाया कि हत्या हो गई, लोग मर गए, मुख्यमंत्री जी इस तरह से गुस्से में आकर तमतमा के विधायकों को धमकी देने लगे और ये बोलने लगे कि आप सबको बर्बाद कर देंगे। तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विश्वसनीयता घटी है नीतीश कुमार जी की, ये उसी के अकबकाहट में हम सबको लगता है काफ़ी तनाव में है मुख्यमंत्री, निहार का इफेक्ट लग रहा है, उसका भी इफेक्ट है। और जो अब नीतीश कुमार जी को पूरे देश दुनिया बिहार के लोग पलटू कुमार के नाम से जानते हैं, तो जैसे ही पलटू कुमार सुनाई पड़ता है वो अकबकाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। मंत्री जी को यह लग रहा है ये बिहार के अंदर उनसे जनादेश जो है खत्म हो गया है, जनाधार उनकी समाप्त हो गई है, बकुलाहट उनके पास में है। जिस प्रकार दर्जनों लोग की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, वह उनको केवल यह कहा गया कि आपके राज्य में जहरीली शराब बिक रहा है, बड़े बड़े शराब का जो माफिया है यह फल फूल रहा है और शराब के नशा के नाम पर पासी और पासवान समाज के लोगों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, जो परंपरागत उसका व्यवसाय है उस व्यवसाय के नाम पर उसको जेल भेज रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े माफिया जहरीली शराब बेचता है और दर्जनों लोग अभी मृत्यु हुआ है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति आपका फेल है, इसी पर मुख्यमंत्री जी बखुला गए और जो प्रतिपक्ष का विधायक है वो सबको उन्होंने कहा ठंडा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं आप ठंडा नहीं कर पाइएगा, बिहार के जनता आपको कुढ़ंडी में ठंडा कर दिया है और 2024 और 25 में भी आपको ठंडा कर देगा। अरे बहुत सारे लोग आज ठंडा करने वाले, हमारे नेता हिमालय से ठंडी लेके आते हैं, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमालय से तपस्या करके आए हैं, बहुत बर्फ ला साथ लाए, इन लोगों को हम लोग ठंडा करने वाले, चिंता मत। लगता है कुढ़नी का इफेक्ट है, ये असर पड़ गया है, असर पड़ गया है, कुछ मानसिक संतुलन खो दिए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, अब वो लगातार हंगामा उन्होंने किया, मुख्यमंत्री ने कई बातें कही जिसको लेकर तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, जो महिला विधायक हैं या पुरुष विधायक हैं, वो काफ़ी आक्रामक मूड पे हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी का आक्रामक रुख जो है वो देखने को मिला। कैमरा राजू के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।